गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 69,000 थर्ड काउंसलिंग के जो भी जनरल कैंडिडेट का सर्वे हुआ था उन सबके डाटा के साथ आप लोग अपना जो है नाम और गुणांक मैच कर लें कि आपकी रैंक क्या है इस डाटा में। जिसने भी अपना अपना डाटा जनरल कैंडिडेट ने भेजा था वो लोग अपना अपना नाम और जो है गुणांक देख लें, उनका आपको सीरियल नंबर से पता चल जाएगा कि आप किस रैंक पर हैं। सबसे कम कैंडिडेट जनरल के जो है सर्वे में मिले हैं, इस वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा अनुमान तो नहीं लग पाएगा, पर जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग 220 के करीब कैंडिडेट हैं, तो आप लोग उसमें अगर सम्मिलित हैं तो आप लोग अपना देख सकते हैं कि उस हिसाब से आपका रैंक क्या होगा। और उसके बाद सिर्फ जनरल कैंडिडेट का ये है, उसके बाद हम लोग फिर ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद फिर पीएच का भी निकालेंगे जो भी जनरल सर्वे हुआ था और उस सर्वे में किसकी कितनी रैंक है गुणांक के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वन बाय वन, मैं धीरे धीरे उसको स्क्रॉल करते हुए चलता हूँ, आप लोग अपना डाटा देखते रहें कि आप लोग किस रैंक पर हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा आस्था पांडे जी से, उनका है 67.1। उसके बाद सेकंड पे नूतन, रश्मि, सपना, लक्ष्मी, आशीष, इस तरह से करते हुए आप लोग अपना अपना देखते रहें कि आप किस रैंक पर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रमोद श्रीवास्तव 16वीं रैंक पर, उसके बाद प्रीति पांडे हैं 30वीं रैंक पर, आप देख रहे हैं। एकदम मैं स्लो स्लो जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाएं। सिंपल सिंह हैं आजमगढ़ से, इनका 31 रैंक है। इसमें एक लोग का डाटा नहीं मैच हो पाया था, मतलब ऐड नहीं हुआ था। उनकी पोजीशन है आपका इसी में 38 के बाद, 38 के पहले ही है। इनका नाम है इनका काजल जैन, क्या नाम है काजल जैन, और ये जो है देख लेते हैं, इनका नाम है इनका काजल जैन, और इनका जो मेरिट है वो है 66.83 इनकी मेरिट है काजल जैन जी का। तो ये 37 के बाद इनकी जो है 37 के पहले ही इनका रैंक आ जाएगा। तो जिनका जिनका छूट गया मैं इसी तरह से बता देता हूँ, आप लोग मिलाते जाएंगे। 41 पे मोहित सक्सेना जी हैं, जिनका 66.79 है, और कट ऑफ आपको पता ही है 67.1 के करीब लगभग कट ऑफ गई थी, 11 के करीब। फिर प्रियंका द्विवेदी जी हैं, इनका 66.79 है। ऐसे ही हरिओम पांडे जी हैं 50 रैंक पर, इनका 66.75 है। यहाँ पर एक लोग का और डाटा छूट गया था तो मैं ऐड कर देता हूँ, ये हैं कविता शर्मा जी हैं, इनका नाम है कविता शर्मा। इनकी जो है मेरिट है वो 66.75 है, 66.75। फिर 58 पर वैभव शर्मा हैं, इनका 66.69 है। इस तरह से हम देखते जाएंगे सबका मेरिट, आप लोग अपना नाम मैच करते हुए जाएं, और जिसका भी नाम, जिसने भी कमेंट किया था और नाम नहीं है वो लोग कमेंट करके बताएं कि सर मेरा नाम नहीं है, हम लोग उनका नाम नेक्स्ट लिस्ट जो है नेक्स्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक लोग का और डाटा छूट गया था, अशोक कुमार सिंह जी हैं, क्या नाम है इनका अशोक कुमार सिंह, इनकी रैंक जो है वो 61 के करीब ही रैंक होगी, 61 के आसपास ही हैं ये अशोक कुमार सिंह। सिंह हैं ये, इनका है 66.68, ये हैं अंबेडकर नगर के।
उसके बाद 69th रैंक पर रिचा सेनगर जी हैं कानपुर से, आप लोग मिलाते रहें अपना नाम। 70 पे योगेश पांडे जी हैं जौनपुर से, इनका 66.62 इसी क्रम में नीचे आते हुए। और भी जो हैं कैंडिडेट्स अपना देख लें क्या किसकी रैंक है। फिर 83 पर सत्यम सिंह हैं जौनपुर से, 66.52 है इनका। उसके बाद 84th पर वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं आगरा से, 66.51 है। 88 पर जय धनकरे जी हैं आगरा से, 66.47 है इनका। उसके बाद 90 पर कृष्ण शुक्ला जी हैं जालौन से हैं, ये 66.46 है इनका भी। यहाँ पर एक लोग का और डाटा छूट गया था, इनका नाम है शैलेश शुक्ला, ये जो है लगभग 93 के आसपास इनकी रैंक होगी। नाम है इनका शैलेश शुक्ला। इनकी जो है मेरिट है वो है 66.46 और ये लखनऊ से हैं। तो आप लोग मिलाते रहें अपना नाम। साधना शर्मा जी हैं 66.45 पर, 95 इनकी रैंक है। उसके बाद 100 पर हैं रीशु कुमार बिजनौर से, इनका 66.4 है। फिर 107 पर दीपशिखा गुप्ता जी हैं, इनका 66.34 है। 108 रैंक पर राशि सिंह हैं, इनका नाम राशि सिंह है, तो ये 66.33 है इनकी मेरिट। और 122 पर संतोष थापक जी हैं, इनका 66.22। आप देख रहे होंगे लगभग बहुत ज़्यादा माइनर से, और ओबीसी में तो आप देखेंगे कि एक ही पॉइंट पर लगभग 8-8, 9-9 लोग हैं, इस तरह से है। एससी में भी ऐसे ही है, और इसमें तो जनरल में ज़्यादा होगा, पर अभी इतने कैंडिडेट मिल नहीं पाए हैं सर्वे में, नहीं तो उनका भी ज़्यादा, ओबीसी से कम रहता लेकिन एससी से तो ज़्यादा रहता, क्योंकि एससी के कम ही लोग बचे हुए हैं, लगभग 6,000 से 7,000 लोग बचे हुए हैं, और 15,000 से 18,000 के बीच में आपके जनरल बचे हुए हैं, और 48,000 से 50,000 के बीच में बचे हुए हैं ओबीसी। फिर उसके बाद देखते हैं 135 पे पुष्पेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं रायबरेली से, इनका है 66.14। 136 पे जरीन रिजवी हैं रायबरेली से, 66.12। 152 पे हरीश शर्मा जी हैं, इनका 66 है। बीच में जो लोग भी हैं जिनका डाटा मिल रहा हो वो मैच करवा लें अपना। शालिनी मिश्रा जी हैं 153 रैंक पर वाराणसी से हैं, इनका 66 है। जैसे देखिए, जैसे 66 पर चार कैंडिडेट हो गए, तो इस हिसाब से लगभग ज़्यादा ही होंगे, 10 के लगभग कैंडिडेट होंगे 66 पर, इस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट 15,000 से 18,000 हैं जनरल, पता ही है आपको, जो कि अभी बचे हुए हैं। उसके बाद 167 पर शीतल गुप्ता जी हैं अयोध्या से, 65.8 है इनका। निधि मिश्रा जी हैं 176 पर, इनका 65.66 है। शिव कुमार पांडे आजमगढ़ से हैं, इनका 65.58 है। 182 रैंक है इनकी। फिर 183 पर निकित त्यागी जी हैं मुजफ्फरनगर से, इनका 65.56 है। और 200 रैंक पर कामनी अग्रवाल आगरा से हैं, इनका 65.23 है। आप लोग अपना डाटा नाम मिला लें, रैंक कौन सी आ रही है। फिर 204 पे राधे श्याम त्यागी जी हैं, इनका 65.15 है। 217 पर रेखा सक्सेना जी हैं फरुखाबाद से, इनका 64.7 है। 217 पर रेखा सक्सेना भी बताया मैंने आपको। 270 पर रेणु शर्मा जी हैं, इनका 63.5 है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये रहा हमारा जो है टोटल लिस्ट,
जो कि जनरल की है, आप लोग अपना नाम मिला लें, मेरिट मैच करवा लें और रैंक देख लें कि इस हिसाब से आप लोग का इतने कैंडिडेट में आपकी रैंक क्या हो रही है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ जब ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जब उतने गुना से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लगभग 15,000 कैंडिडेट हैं आप इस तरह से मान के चलिएगा, और उसी हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट जो है रैंक पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन पर रहने वाले हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओबीसी और एससी और पीएच के कैंडिडेट जो भी होंगे उनका जो है जो भी डाटा होगा वो शेयर करेंगे आप लोग के साथ, फिर हम लोग और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और भी लोग जो हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं हमारे चैनल से, जनरल कैंडिडेट या अन्य कैंडिडेट, वो सब जुड़ें और अपना डाटा भेजें और जिससे आपको एग्जैक्ट रैंक पता चल सके। धन्यवाद।